एबीपीएस न्यूज इसी के तहत हम आपको एबीपीएस न्यूज टीम के साथ जनपद बरेली के ब्लॉक आलापुर जाफराबाद में स्थित चंदोहा गांव में लेकर चलते हैं। लगभग 4000 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 14 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 12 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गाँव के प्रधान मोरकली है। वर्तमान प्रधान द्वारा गाँव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। वर्तमान प्रधान ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत गाँव में 166 शौचालयों का निर्माण कराकर पात्रों को वितरित किए हैं। वहीं बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के प्राइमरी पाठशाला में लगभग 113 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो शिक्षा के बदहाल इंतजाम को बयां करने के लिए काफी है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान ने गांव में सीसीटाइज रोड, 4 खडंजे, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 आवास का निर्माण भी कराया है। वहीं पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गाँव में 66 हैंडपंप लगवाए गए हैं तथा 15 और हैंडपंप लगवाने की सरकार से मांग है। बात अगर विद्युत व्यवस्था की जाए तो गाँव में 88 विद्युत पोल, 3 विद्युत ट्रांसफार्मर, 5 सोलर लाइट व 54 विद्युत लाइट वर्तमान प्रधान द्वारा लगवाई गई हैं तथा 5 विद्युत पोल एवं 2 ट्रांसफार्मर सरकार से लगवाने की मांग है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में शमशान घाट, बारात घर, स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत घर, जूनियर हाई स्कूल, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 134 आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत 92 शौचालयों के निर्माण की मांग राज्य में केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम चंदौआ का रहने वाला हूँ। मेरी मम्मी का नाम मोरकली है, ग्राम प्रधान। और अपनी ग्राम पंचायत में 4 खरंजे, 2 नाली, 5 सोलर लाइटें, 54 सोलर लाइट, 166 शौचालय और 3 ट्रांसफार्मर होने हैं और एक सीसी रोड की दीवार गिर गई, वो मैंने उस पर काम कराया है। 5 ठेली और 1 सोखता गड्ढा भी अपने गांव के लिए ये विकास किया है। ग्राम पंचायत में चंदौआ में ये पंचायत घर, आंगनवाड़ी केंद्र, बरात घर और स्वास्थ्य केंद्र इत्यादि स्थित 134 आवास, 92 शौचालय, बड़े नाली, जूनियर हाई स्कूल, शमशान भूम की मांग करता हूँ। चंदौआ रहता हूँ, ग्राम पंचायत चंदौआ है और यहाँ पर जो है विकास कार्य के लिए जरूरी है। कच्चे मकान है, वो चौमासे में जो है बारिश में बहुत परेशानी होती है और ये आवासन की जरूरी है, इसलिए जैसे मिलना चाहिए और विकास कार्य और भी होना चाहिए। ग्राम पंचायत, ग्राम की आवश्यकता है, यहाँ कोई नहीं है। आंगनवाड़ी केंद्र भी ना है और ये बहुत समस्याएं ऐसी हैं जो यहाँ पर ना है।